आगर जिले के ग्राम तारबल्डी, गिरोली और छायन के काकर पर स्थित खेतों में लगी भीषण आग से 50 से 60 बीघा खेत में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तो वहीं ग्राम परसुखेड़ी निवासी किसान सत्यनारायण ने बताया कि हमारे द्वारा बिजली विभाग कर्मचारियों को करीब एक साल से लगातार सूचना दी जा रही है कि हमारे खेतों में नीचे से 11 KV लाइन के तार गुजर रहे हैं और बिजली के पोल गिरने की कगार पर है। जैसे ही हवा के कारण तार आपस में टकराते हैं और शॉर्ट सर्किट होने से सूखी फसलों में आग लग जाती है, मगर बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया, जिसकी वजह से आज हमारी फसलें जल रही हैं। वहीं देखा जाए तो बिजली विभाग अधिकारियों की इस बड़ी लापरवाही के कारण सरकार पर भी एक आर्थिक बोझ पड़ रहा है, साथ ही इस लापरवाही के कारण कभी भी कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। फास्ट समाचार के लिए आगरमालवा से सचिन खरे की रिपोर्ट। सत्यनारायण जी, किस तरह आग लगी थी आपके खेत में? ये तार बहुत नीचे झुके हैं, लेकिन निकालने की जगह नहीं है और इस कारण हम ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, हवा बहुत चल रही थी, उसकी वजह से हमारी पुलियों में जरा सा हवा लगने की वजह से वो जरा सा ये कि उसका गेहूं का डंका लड़ने की वजह से वो उसने आग पकड़ ली गर्मी की वजह से, दो बीघा की फसल जल कर नष्ट हो गई और ट्राली भी जल गई हमारी। तो इसकी सूचना आपने जो तार जो नीचे हो रहे हैं आपने विभाग बिजली विभाग को नहीं बताया? कई बार बताया, गए साल भी बताया हमने, लेकिन वो यहाँ रोकते हैं, वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं है, वो आएंगे वो करेंगे वो आएंगे वो करेंगे। और गए साल भी हमारे खेत में हार्वेस्टर बुलाई वो जल जाती, तो हार्वेस्टर वाले भी हाँ नहीं करते, इस वक्त गर्मी का मौसम हमारी हंकाई जुताई तक नहीं कर सकते हम इनकी वजह से, और ट्रैक्टर निकालते हैं तो उसका टप तक अटता है यहाँ पर, और हमारी मजबूरी थी कि यहाँ ट्रैक्टर निकालना था, इसलिए वो तार के नीचे ले जाना हमारी मजबूरी बन गई और हमारा ट्रैक्टर जल गया और हमारा इतना नुकसान हुआ, हमारे हाथ तक जल गए। देखिए आप, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है निकलने की? रास्ता है, लेकिन फसल के अंदर नहीं निकाल सकते थे, पोल के पास नहीं निकालते क्योंकि पोल भी झुके हुए हैं। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग आपका? दो बीघा गेहूँ जल गया और वो वहाँ पर जला हुआ पड़ा है, देखिए आप कितना लगभग कितना नुकसान होगा, दो बीघा के जमीन भी जल गई और दो बीघा के एकड़ 15 क्विंटल अनाज हमारे जलकर राख हो गया और उसमें सारे गेहूँ जल गया, हमारे ट्राली का भी नुकसान हुआ और हमारा फायर ब्रिगेड डेढ़ घंटे बर्बाद। दो दिन से आग लगी रही सर, कल भी आग लगी थी वहाँ डीपी के पास में।